बहुत सही बात है, जो डर गया सो मर गया। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए किस चीज से डरना है और किस चीज से नहीं डरना है। तो डरना किस चीज से है कि जो आप टॉक्सिन खाते हैं, जो आप खाना खाते हैं, जो आप पानी पीते हैं, बीमारी से नहीं डरना है। बीमारी वो इसलिए आई है कि आपका खाना और पानी गलत है। और किस चीज से नहीं डरना है, आयुर्वेदा स्लो है, इलाज कर पाएगा या कितनी देर में असर आएगा, या डाइट से क्या हो जाएगा, खाली पानी चेंज करके क्या हो जाएगा। अरे भाई, हमारी बॉडी जो है खाने और पानी से ही बनती है, उससे ही हील होती है। हमारी बॉडी को हीलिंग पावर एक्टिवेट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और फास्टिंग चाहिए अगर थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड है, जैसे कैंसर के केसेस होते हैं। तो हमें अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करना है, अपने खाने पे और अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करना है, अपने कल्चर पे ट्रस्ट करना है कि जो हमारा इतना रिच कल्चर था कि कोई भी बीमारी होती थी शल्य चिकित्सा माने सर्जरी सबसे पहले इंडिया में शुरू हुई। तो यहाँ की जो हीलिंग थेरेपीज है वो स्लो कैसे हो सकती है, उनके इंस्टेंट इफेक्ट है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है कि प्रोडक्ट के साथ एडल्ट्रेशन होने लगा है, नॉलेज जो है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है, सेल्फ स्टडी के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है। तो आप वैदिकी के साथ जुड़कर अपने सारे डर को खत्म कर सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, इतना ही क्यों, ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियों से भी अपने बच्चों को और अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, डरिए नहीं।